देवों में देव महादेव, शहरों में शहर बनारस, और इसी बनारस की चकल्लस में चाय के साथ हम लोग यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कई बुद्धिजीवी लोग और यहाँ पे पत्रकार हैं जो कि पूरे प्रदेश और देश के कई कोनों कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको बता दें कि इन सब लोगों के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बनारस में गंगा जी के जो तट है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो अब इन्हीं गंगा मैया की सौगंध के साथ, इन्हीं गंगा मैया के लोगों के साथ, उन्हीं गंगा मैया के बेटों के साथ हम अपना आज ये शो शुरू करते हैं। और सबसे पहले विजय जी के पास चलेंगे जो कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने माने पत्रकार हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो विजय जी से होगा, आप बताइए कि किस तरीके की स्थिति पाते हैं नरेंद्र मोदी की इस समय? देखिए, नरेंद्र मोदी जी नो डाउट जब बनारस आए थे तो बनारस के लोगों की उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं उम्मीदें थी, और जब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है बनारस में, तो बनारसी गदगद हो गया था। और कुप्पा, जिसको बनारस में कहते हैं फूल कर कुप्पा हो गया था। लेकिन अब बनारस की लोगों को लग रहा है कि गंगा मैया अपने बेटे को ढूंढ रही हैं कि हमारा बेटा है कहाँ। और बनारस के लोगों का यही कहना है कि मोदी जी आते हैं और चले जाते हैं, गंगा मैया के लिए कुछ नहीं किया। घाटों का मैल, दिलों का मैल, और आपके तमाम अधजले सौओं का मैल, सब कुछ गंगा में गिर रहा है, कुछ नहीं बदला। पूरे देश शहर की गंदगी गंगा में बह रही है, लोग बड़े नाखुश हैं। और यही गंगा जल बनारस आधा शहर पीता है, और ढेर सारी बीमारियां अपने अंदर लेता है। तो क्या हर आदमी दुखी है? और उन्होंने ऐसा नया कुछ भी नहीं किया बनारस में जो जिसे कहा जाए कि उसका बहुत ज्यादा सीधे पब्लिक को लाभ मिला हो। चलिए, इनका कहना है कि बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण पब्लिक को बहुत ज्यादा लाभ है। हेमंत तिवारी जी को हम सब लोग लगातार सारे चैनलों पे देखते चले आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने एक पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश क्या बल्कि पूरे भारत में इनकी ख्याति जो है वो है। हेमंत जी ने बढ़िया से एक गमछा भी डाल रखा, हालांकि इसको किसी पार्टी से ना समझा जाए, क्योंकि ये हम लोगों ने एक बनारसी रस लेने के लिए सारे गमछे को जिन लोगों ने भी पहना है उसको यहाँ पर पहन रखा। हेमंत जी, क्या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं विजय जी की बातों से? विजय जी की बातों से मैं इनकी तमाम बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। विजय जी खालिस बनारसी हैं, खालिस बनारसियों का अलग अंदाज होता है। लेकिन मैं एक चीज मेरे जहन में आती है कि चार दशक तक जिस बनारस ने, जिस पूर्वांचल ने राजनीतिक नेतृत्व की छटपटाहट महसूस की, अगर उसको 3 साल पहले एक ऐसा सांसद मिलता है जो इस देश का नेतृत्व करता है, तो शायद जो बनारसियों का अंदाज है, उनका जो मिजाज है, उनकी जो सोच है, उनकी जो मस्ती है, वो शब्द तो इन्होंने बढ़िया कहा कि गदगद हुआ बनारस, तो एक निश्चित रूप से बनारस के लिए एसेट है नरेंद्र मोदी। हालांकि एक चीज मैं और जानता हूं कि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के लोग, उनके भीतर थोड़ा धैर्य मैं अधिक समझता हूं, वो जल्दबाज नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये अलग बात है कि अभी भी हम तरस रहे हैं कि बनारसी साड़ी किस दशा में, यहाँ की जहाँ जरी का कितना बड़ा काम होता था, पूरी दुनिया मशहूर होता था, उस पर कोई प्रॉपर वर्क नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा, विकास जो है वो समय, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने में उसके उसको अंतिम सम्पादन तक पहुंचने में समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। विकास होगा, और अगर आपके पास इतना बड़ा नेतृत्व है तो निश्चित रूप से विकास की संभावनाएं बनी रहती है। थोड़ा धैर्य की अवस्था है जो मैं समझता हूँ। पॉलिटिकली एक बात बता दूंगा, लोग कि पॉलिटिकल लोग यहाँ इस बात पे खुश हैं, गैर भाजपा के लोग, जो भाजपा के दूसरे दल हैं, जो उनके अपोनेंट हैं, कि उन्होंने 72 घंटे नरेंद्र मोदी को बनारस में रोक दिया। और यह भी बात सही है कि देश में पहला वाक्य है जब कोई प्रधानमंत्री मुसलसल 48 घंटे और कुल मिलाकर के 70 घंटे एक शहर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजारे। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको दूसरे से रखते हैं, नरेंद्र मोदी की साख का सवाल है। यहाँ पार्टी में संतोष था टिकट वितरण को लेकर के, जो कामों की उम्मीद थी शायद वो भी उतना डिलीवर नहीं हो पाया। तो इस सब के डैमेज कंट्रोल के लिए ही उन्होंने यहाँ एक माइक्रो मैनेज्ड अपना प्रोग्राम रखा है, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो असंतोष था, भाजपा का जो नुकसान होने की आशंका थी, उसको काफी हद तक कम किया है।
चलिए भाजपा के जो असंतोष लोग हैं उनको समझाने का काम किया हो या फिर उस डैमेज कंट्रोल का काम किया हो जिसके कारण उनको लग रहा है कि उनका क्षेत्र है और अगर यहाँ पर शिकस्त हुई तो बुरी होगी, क्योंकि बनारस में एक चीज और भी आपको बता दें कि बनारस लोगों को रिपीट बहुत कम करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी अरविंद जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि बनारस लोगों को रिपीट भी बहुत कम करता है, लोगों को जितनी तेजी से अपने सर पे चढ़ाता है उतनी तेजी से उतारता भी है। पांडे जी, ब्रजभूषण पांडे जी हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम इनसे बात करना चाहते हैं। ये बलिया यहाँ से थोड़ी दूर पर है, यहाँ से बनारस से थोड़ा सा दूर पड़ता है और वहां के मूल निवासी है और बनारस की राजनीति को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, इनकी क्या राय है? देखिए, इसमें बनारस पर पूरे देश की नजर है और हम भी लोग महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद बनारस में सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि बनारस पर सबकी नजर है और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की भी नजर है। जहां तक यहां नाराजगी की बात है, नरेंद्र मोदी के बारे में मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि राजनीति में परसेप्शन बदलने का इनके पास कला है। इन्होंने आज नरेंद्र मोदी एक नाम ब्रांड बना दिया है कि इसकी नाराजगी और प्रसन्नता ये बहुत मायने नहीं रखता। नरेंद्र मोदी ने इस पिछले 3 सालों में दिखाया है। अब जहां तक रहा सवाल बनारस का, तो निश्चित तौर से मोदी जी को भी डर है कि यदि पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाए और बनारस में उनकी हार होती है तो उत्तर प्रदेश जीत कर भी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी इस हार को किसी तरह से हार में बदलना नहीं चाहते और निश्चित तौर से वो प्रधानमंत्री हैं, एक गलत मैसेज आएगा और कहीं ना कहीं से उसको मैसेज है कि बनारस में स्थितियां, नोटबंदी किया उन्होंने, इसका बहुत बड़ा लाभ नहीं। नोटबंदी का पांडे जी उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, पूरे चुनाव भर जिक्र नहीं किया, वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां रही हैं कि अगर कोई भी चीज उनकी सक्सेसफुल होती है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा के उसका प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन नोटबंदी निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी बोले ना बोले, भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर से बोलते हैं कि नोटबंदी का फैसला गलत था। उन्होंने 2 इशू को लेकर नोटबंदी किया था, एक जो फेक करेंसी और दूसरा नक्सलवाद। अब आप देखिए कि नहीं, कि नोटबंदी के 4 महीने भी नहीं हुए, कलकत्ता में 57 लाख रुपए के फेक करेंसी मिली। यदि नकली नोट रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी तो ये तो फेल हो गया। और जहां तक दूसरी बात है कि नहीं, कि आतंकवाद, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के सीमा पर हर दूसरे दिन एक जवान 2 जवान शहीद हो रहा है, नक्सलवाद वैसे ही पढ़ रहा है। नोटबंदी नरेंद्र मोदी ने जिस कल्पना के साथ शुरू की थी, जो बंद की थी, उसका कोई फल नहीं मिला। लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों को लगा कि नहीं, आदमी जो किया सरी, ये ट्रस्ट की बात है राजनीति में। नरेंद्र मोदी ने कितना इत्तेफाक रखते हैं सिद्धार्थ कलान से, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन हमारे साथ यत्री भरद्वाज जी हैं जो कि बनारस से रहने वाले हैं, बनारस जो प्रेस एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो कितना इत्तेफाक रखते हैं पांडे जी की बातों से? देखिये, नोटबंदी की पांडे जी ने बात की है, लेकिन अगर नोटबंदी हुई है तो इतना पैसा जो चुनाव में खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बनारस का मिजाज एकदम अलग है, बनारस के लोगों का मिजाज एकदम अलग है और बनारस में ये पूर्वांचल जो है ये एक बहुत महत्व रखता है किसी भी पार्टी के लिए। इसीलिए मोदी जी ने लंबा कैंपेन किया बनारस में और लंबे समय तक उन्होंने रहकर यहाँ प्रचार करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद मोदी से, जब मोदी सत्ता में आए उसके पहले के बाद, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी यहाँ के लोगों को और वो अपेक्षाएं 2.5 साल में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि पब्लिक इतनी परेशान थी, उतावली थी, कि वो चाहती है कि बहुत जल्दी किसी चीज का सलूशन निकल आए। उसके बावजूद भी कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप वो तेजी नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भी है लेकिन कोई विकल्प भी नहीं सामने आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए सिद्धार्थ जी, आप बताइए। देखिए, अपेक्षाओं के सिंहासन पर बैठा है 2014 में मोदी ने बनारस की जनता को, और जैसा विजय विनीत जी ने कहा, ब्रजभूषण पांडे जी ने भी कहा, दोनों चीजों का अपना अपना महत्व है। एक, काशी को क्योटो बनाने की बात कही और काशी पहले से और ज्यादा बदहाल हुई। दो, नोटबंदी के बाद काशी का बहुत बड़ा कारोबार इससे प्रभावित हुआ, चाहे वो बुनकरी का कारोबार हो, सिल्क का कारोबार हो, पड़ोस में कालीन का कारोबार हो, यहाँ पर मीनाकारी का काम चांदी पर होता था उसका कारोबार हो, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूर्वी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी खरीदारी के लिए, अपने कारोबार के लिए बनारस पर डिपेंडेंट था, उन सब पर असर पड़ा। क्यों 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 असर पड़ा है, एक शॉर्ट में शॉर्ट? देखिए, नोटबंदी के चलते जो नकदी की किल्लत हुई उसके चलते असर पड़ा है, और काशी के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनी है जिससे काशी के आधारभूत संरचना में परिवर्तन होता। और मुझे लगता है कि जैसा विजय विनीत ने कहा है कि काशी की जनता बहुत जल्दी अगर सर आंखों पर बिठाती है तो उतार भी देती है, शायद इसी का एहसास करते हुए नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री इसी का एहसास करते हुए नरेंद्र मोदी जी को अपने सर पे बिठाए रखेगी या उतारेगी, इन सारी चीजों पे चर्चा जारी रहेगी। फिर सिद्धार्थ कल्हण जी से बात कर रहे थे, सिद्धार्थ कल्हण जी चार दिन से यहाँ पे मोदी के कामों की इंक्वायरी कर रहे हैं और उनको जो काम है वो नहीं दिखे, ऐसा सिद्धार्थ जी का कहना है। सिद्धार्थ जी, क्या आपको ऐसा लगा कि आपको लगा कि मोदी को जो बनारस की जनता है वो सर पे अपनी बिठाएगी? देखिए, 72 घंटे अगर जैसा हेमंत तिवारी जी के शब्दों में अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते बनारस में प्रचार करने की जरूरत पड़ जाती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लहर की बात करती है, और लहर की बात करती है जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा टिकटों का बंटवारा, अरे लहर में तो किसी को भी खड़ा करने तो चुनाव जीत जाता है, फिर आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि 72 घंटे का चुनाव प्रचार होता है? आप 72 घंटे सुनिएगा, आप चार दिन से हैं, आप बनारस को कितना समझते हैं? जरूरत पड़ रही है कल्याण जी आप बनारस को कितना समझते हैं? श्रीमान जी बनारस दुनिया में नक्शा बदल दिया। अगर दुनिया का नक्शा बदलने वाले को बनारस की गलियों के खाक छाननी पड़ रही है, आनंद ले रहे हैं बनारसी, आनंद ले रहे हैं बनारसी, मजा ले रहा है। और सुनिए, चार दशक तक पंडित कमला त्रिपाठी के बाद कौन नेतृत्व देने वाला है? टीएन सिंह थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री हुए थे, चार दशक ये कौन प्रधानमंत्री हो गया बनारस से? चार दशक में प्रधानमंत्री कौन हुआ बनारस से? ये प्रधानमंत्री है। आप ये समझिए कि किसी भी काम को परिवर्तन के लिए बनारस की जो स्थितियां हैं वो अचानक एक साल में दो साल में नहीं बदल सकती। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सही है कि 3 साल में कोई बहुत कुछ चेंज नहीं कर दिया। जो गांव प्रधानमंत्री ने गोद लिया उसकी हालात आप क्या देखते हैं? गांव में जितना होना चाहिए था उतना हुआ है। एक बात बता दूं, जो अनुवांशिकी नहीं कर सकती है यानी काले को गोरा बनाता है वही काले को गोरा बनाने का काम कर रहे हैं। इससे सहमत नहीं है, ब्रांड बिल्डिंग, सुनिए ये ब्रांड बिल्डिंग है। इस बात को एक शेर में कह रहा हूँ कि बात लोगों की ना हो जिसमें कहीं, गीत हमने वो कभी गाए नहीं है, उस शहर को छांव की कीमत पता है जिस शहर में पेड़ के साए नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पांडे जी, एक बात है कि ब्रांडिंग की बात है, ब्रांडिंग से चीजें बदलती हैं। मोदी जी ने दिल्ली और बिहार में बहुत ब्रांडिंग की लेकिन जनता उनके खिलाफ थी और लोगों ने उनके खिलाफ जनादेश दिया, चुनाव हार गए। सिर्फ ब्रांडिंग से चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव जीतने के कई गणित होते हैं, संगठन होना चाहिए। बहुत बड़ी पॉलिटिकल बात है। मोदी 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 ने खाली चौथे चरण के पहले एक जुमला कहा, शमशान और कब्रिस्तान, होली और ईद, बिजली, एक बार कह करके एक पत्थर उछाल दिया समंदर में, 1 लाख बलबले उठ गए और सब लोग वही कह रहे हैं जो माहौल बनाना चाहते थे, एक जबान बोल चले गए। सियासत में देखिए, मोदी जी को, सिद्धार्थ जी आपके पास आए, मोदी विजय जी के बाद, मोदी जी को वाकई मुर्दों की बहुत चिंता है। जब मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने 100 वाहिनी चलवाया बनारस में, और अत्री जी जानते हैं, और 100 वाहिनी 2-3 वाहिनियां चली और 20-25 मुर्दों को ढोई, उसके बाद वो कहां चली गई किसी को पता नहीं। वैसे वो मुर्दों को वाकई बहुत चाहते हैं, मुर्दों से उनका बहुत प्रेम है, श्मशान से बहुत प्रेम हमें लगता है। और देखिए, अक्खड़ और थक्कड़ शहर है बनारस, और बनारसी साफ साफ बोलता है, बेलोस बोलता है, और किसी और वो पानी पीकर के संतोष कर सकता है, चना खा करके संतोष कर सकता है, लेकिन जुमलेबाजी पसंद नहीं करता। देखिए, जनता इस समय सीधे नरेंद्र मोदी को लाइक कर रही है। आप देखिए कि कहीं भी न कमल दिखाई दे रहा है और न भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ लोग नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर रहे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार की बात होती है, कमल की कोई बात नहीं होती, मोदी ब्रांड बन चुका है। और एक बात है कि राजनीति में एक जो विश्वास हासिल करने की बात है, जनता में नरेंद्र मोदी ने विश्वास हासिल किया, उसी विश्वास के बल पर आज जो माहौल बना हुआ, एक विश्वाज, राजनीति में विश्वास बना बहुत जरूरी है कि मेरे को शासन करोगे। पांडे जी की बातों पर ही जाते हुए मैं कहता हूं कि जिस बिहार में, जिस दिल्ली में, और हेमंत तिवारी जी ने शुरुआत कर दी है कि जहां आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव करवा पाने में कामयाब नहीं हुए हैं, वहां पर आपको परास्त होना पड़ा है। बंगाल में धराशायी होना पड़ा, केरल में धराशायी होना पड़ा, दिल्ली में, बिहार में धराशायी होना पड़ा, और यही कोशिश आपके पास विकास के नाम पे क्या किया है, इसके नाम पर चुनाव लड़ते, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश, यही दर्शाती है कि आपको केवल और केवल सहारा। चलिए चलिए, सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा सवाल है, हेमंत जी क्या लगता है कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, आप अपने हिसाब से क्या स्थिति मानते हैं? मैं एक बात बता दूं, सियासत में सराफत की उम्मीद करना बेमानी है। सियासत में हिंदू मुस्लिम, पांडे तिवारी, कुर्मी कोयरी, इस पे वोट होता है और सब यही कर रहे हैं। ये ऐसा हमाम है जो बहुत गंदा है और उसमें सब नंगे हैं, वक्त से फायदा लेते हैं, सीट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, वही हो रहा है। पूर्वांचल में जिस तरह की वोट
अभी पोलिंग हुई है कल और बहुत ज्यादा लोगों ने रुझान नहीं दिखाया है। अधिकतम मऊ में 68% वोट पड़ा है, पूर्वांचल में अगर देखा जाए सर्वाधिक, और जितना कम वोट पड़ेगा मोदी उतने घाटे में रहेंगे और उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस चुनाव में। अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा और झोर करके, बनारसी शब्दों में झोर करके वोट नहीं पड़े तो इस चुनाव में बहुत बड़ी बात देखिए बहुत बड़ी बात कही विनीत जी ने, अच्छी बात कही विनीत जी ने, अच्छी बात कही। होली का मौसम है, बनारसी बड़े मस्त होते हैं, झूम वोट करेंगे, खूब वोट करेंगे, फैसला देंगे जो उनके मिजाज में है वही करेंगे। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि बनारस में वही लाइन चल गई है हिंदू मुस्लिम की जो पिछले तीन चरणों में देखी गई। पांडे जी बताइए। पांडे जी एक बात है, इसमें ध्रुवीकरण की बात है कि इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। आपने जब कैंडिडेटों को देखा होगा जब डिक्लेयर हो रहा था तो मायावती जी ने जब पहली लिस्ट जारी की थी तो उन्होंने बताया कि हमने 97 मुसलमानों को टिकट दिया था, उन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया था, 97 मुसलमानों को टिकट दिया था। यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी करेंगी तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी वही करेंगे। इस पूरे चुनाव में मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टी से, पत्रकारों से भी, कि कहीं विकास का एजेंडा है क्या? बिल्कुल नहीं पांडे जी। कहीं 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 शमशान की बात होती है। ये बताइए कि जो बात है इस पे क्या कहते हैं सिद्धार्थ जी? सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस बात की अहद उठाई है प्रधानमंत्री। मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री के मुंह से शमशान, कब्रिस्तान, ईद और रमजान और होली सुनता हूँ तो ये लगता है कि क्या वाकई संविधान पढ़कर उसकी शपथ ली थी, या संविधान पढ़कर शपथ ली थी, या इस देश को बांटने की शपथ ली थी? ये सवाल खड़ा होता है। ये बातें एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्य। चलिए पांडे जी, ये त्रिभारद्वाज जी से बात करें। अंग्रेजों ने डिवाइड रूल किया, वही चीजें अब फिर हो रही है। पहली बात, दूसरी बात कि बनारस का मिजाज ऐसा है कि हर कोई यहाँ राजा है। एक आदमी दूसरे को कहता का हो राजा, और लेकिन अगर वो देखता है तो फिर ठेंगे पे भी रखता है। तो दोनों चीजें यहाँ पर हैं। जो काम करेगा जनता का, जनता जिससे खुश होगी वही आगे बढ़ेगा, वरना कोई भी आए वो जनता अपने ठेंगे पे रखती है बनारस की। चलिए तो देखिए, जनता अपनी ठेंगे पे रखती है और लगातार जो यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है, प्रधानमंत्री को लोगों ने यहाँ पे रोका कि जो उनको इनका खासतौर से कहना है, हेमंत तिवारी जी का जो उनकी जो अपोजिट पार्टियां, उन्होंने 72 घंटे यहाँ पे स्टे किया, तो इसका सही से मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने की जो स्थिति है प्रधानमंत्री की वो यहाँ पर देखी जा रही है, जिसके कारण प्रधानमंत्री यहाँ पे लगातार प्रवास किए और रोड शो, फिर चाहे दर्शन की बात हो या बुद्धिजीवियों से मिलने की बात हो और भी लोगों से जाके जनसंपर्क करने की बात हो, ताकि जो आखिरी चरण का चुनाव उसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सीटें आए और भारतीय जनता पार्टी को वो ठीक सीटें दिला के कम से कम जो बनारस उनका जो एक क्षेत्र माना जाता है वहां पर वो अपनी साख को बचा के रखे। क्योंकि यहाँ पे दो बड़े जो पत्रकार हैं बनारस के, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। कैमरामैन आनंद के साथ आलोक पांडे, बनारस समाचार प्लस।